परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने ये नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक उपकारों के लिए, तेरी हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर, तूने कितने आश्चर्य काम करे हैं, कितने महान काम करे हैं, कितने महान काम करे हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिंहासन पे विराजमान हमारे पवित्र परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता, हमारे शांतिदाता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। वो परमेश्वर, आज सुबह के समय में ये सुंदर अवसर दिया है, हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें, कुछ गीत उगा के हम दो सन्ना करें। राजा पवित्र परमेश्वर, हर एक सौभाग्य आपकी ओर से हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके कलाम में लिखा है, जहाँ पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे हूँ। ओ परमेश्वर, हम सब तेरे चरणों में आए हैं। राजा, हम सब तेरी आराधना करने आए हैं। हमारे ध्यान को भटकने, हमारे ध्यान को जो भी भटका रही है, हर एक दुष्ट ताकतों को यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। राजा, भय और भक्ति के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तू कितना महान और सामर्थी है। हमारे जीवन में तूने अनेक चमत्कार किए हैं, अनेक बड़े काम किए हैं। तू आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर, अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें तेरे नाम को नहीं सुना है, जिन्हें उस यीशु नासरी के प्यार को नहीं पहचाना है। वो परमेश्वर, हर एक दिन तेरे को जानने के लिए, तेरे प्यार को परमेश्वर चखने के लिए तू सहायता कर। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो स्वर्ग पे विराजमान है, वो हमारे मनों के मंदिर के अंदर है। उस भय के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। पूरी आराधना में आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को परमेश्वर जय जयकार करने के लिए, सारा आदर देने के लिए, सारा महिमा देने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम सारे आदर और महिमा के योग्य है। राजा, तेरे नाम को जितना भी हम ऊंचा उठाएं, जितना भी तेरी आराधना करें ओ राजा, वो सब कम है। तूने हमारे जीवन में अनेक भलाइयां की हैं राजा, तेरे सारे उन उपकारों को सोच के हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता करो राजा। आपको परमेश्वर वो जलाल, वो आदर, वो सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। हमारे जीवन के हर एक पापों को क्षमा कर, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर उस सच्चे खुदावन की आराधना करने के लिए सहायता कर। जब हम सब मिलकर कुछ गीतों को गा के तेरी आराधना करने वाले हैं, आप हमारे बीच में आ जाइए, हमारी इस आराधना को स्वीकार करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। मिलकर कुछ गीतों को गाए, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह को शाम। Jai Jai Naam Ishu Naam,
गाए मिलकर हम सना तेरे गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते सुनाते जय जय होते
ही, उसके नाम में है बंदगी, उसके नाम में है क्षमा, उसके नाम में है दुआ। मिलकर इस गीत को गाए, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। सुंदर रीति से हमने कुछ गीत को गा के परमेश्वर की आराधना की। उस यीशु के नाम से शिफा मिलती है, उस यीशु के नाम में बहुत ज़्यादा मतलब है, उस यीशु के नाम से हमारे पाप को क्षमा मिलती है। वो यीशु नाम ही सब कुछ है, वो यीशु नाम महान नाम है, सामर्थी नाम है और सबसे बड़ा नाम है। हम उस महान नाम की आराधना कर रहे हैं जो जीवित परमेश्वर है। आइए मिलकर अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के, अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, वो परमेश्वर तेरा नाम कितना महान है, तेरा नाम कितना सामर्थी है राजा। तेरे नाम से मुर्दे जीवित होते हैं, तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, तेरे नाम से बहरे सुनते हैं, तेरे नाम से पापी क्षमा मांगते हैं, तेरे नाम से पापी क्षमा मांगते हैं राजा। तेरा नाम महान और सामर्थ्य है परमेश्वर, इन संसार के ऊपर, इस संसार की हर एक शक्तियों के ऊपर परमेश्वर तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम कितने बड़े महान नाम की आराधना कर रहे हैं,
उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमारे बीच में है और इस समय में हमारी आराधना को सुन रहा है। उसके नाम से हमें शिफा मिलती है, उसके नाम से हमें चंगाई मिलती है, उसके नाम से हमें रिहाई मिलती है, उसके नाम से हमारे हर प्रश्नों के सवाल के उत्तर हैं, उसके नाम से हमारी परेशानियों का हल है, उसके नाम से बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसके नाम से दुख और तकलीफ दूर हो जाती हैं, उसके नाम से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं, उस परमेश्वर के नाम से वो शैतान कांपने लगता है। वो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा उस महान नाम के लिए, तेरे पवित्र नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर है, तू हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर है, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा, हम तेरी आराधना करने आए हैं, हम तेरी उपासना करने आए हैं। मिलकर परमेश्वर सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे बीच में भेज दे ताकि हम में से कोई भी खाली ना रहने जाने पाए परमेश्वर, ताकि हम में से किसी का भी पात्र खाली ना रहने पाए परमेश्वर। हाथों को उठाते हुए
समर्थी परमेश्वर, हमारे दिल से, हमारे हर एक चाल चलन से, हमारी हर एक बातों से परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा होने पाए, सिर्फ आपके नाम को सारा जलाल मिलने पाए। परमेश्वर इस समय आ चुका है कि हम तेरे पवित्र वचन को सुने। राजा तू हमसे बातचीत कर, हमारे जीवन की हर एक चिंताओं को तू दूर कर दे। अपने वचन से परमेश्वर हमें और मजबूत कर, हमें मजबूत कर परमेश्वर। तेरे पवित्र कलाम में परमेश्वर हमारी इस नींव को और मजबूत कर दे, ताकि प्रतिदिन परमेश्वर आत्मिक रीति से उन्नति करने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है इस महीने में, इस नया हफ्ता देखने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया है। अभी तक हमने प्रभु की इच्छा अनुसार आराधना किया, गीत गाए, और अभी हम वचन सुनने जा रहे हैं। पिछले बार हमने देखा कैसे प्रभु हमें उठाता है, ऊंचा करता है और हमें ऊंचे स्थान पर बिठाता है। आज हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाएंगे और हम ये जान लेंगे कि प्रभु हम पर क्या करना चाहता है और वो क्या करेगा, कब करेगा, क्या करने से करेगा, ये सब हम देख लेंगे। आप सबको जानते हो भजन संगीता 23 का 23 वाला आयर तो आप सब लोगों ने मनन किया होगा, लेकिन मैं पूरे आयर बताने नहीं जा रही, बस छठवा वाला वचन पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बने रहने के लिए, या किन लोगों के साथ? हमारा ग्रंथ कहता है कि वह उनके साथ करुणा और भलाई उनके साथ साथ बनी रही। किन लोगों को प्रभु ने चुन लिया था, इनके बारे में अभी देखेंगे। अगर आप उसके योग्य हैं तो करुणा और भलाई आपके साथ साथ बनी रहेगी। अगर आप उसके योग्य नहीं हैं तो अपने को योग्य बना लीजिए और प्रभु से पूछिए, हे प्रभु तेरी भलाई और करुणा मेरे साथ साथ रहे, ताकि मैं आपका नाम ऊंचा करूं। आप जहां भी मुझे बिठाते हैं, ऊंचा करते हैं, उस जगह पर मैं आपका नाम रोशन करूं, प्रकाशित करूं। हे भगवान, हे परमेश्वर, तू मेरे संग संग रहने से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम पहले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो आरंभ में बहुत विकट था, दुष्ट काम करता था, लेकिन प्रभु के लिए वो तो जुनून रखता था, परमेश्वर के बारे में जानता था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बोलने से वो कहता है कि मैं उन लोगों को एकदम ऐसे निचोड़ दूंगा जो जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं। वो परमेश्वर को जानता है लेकिन उसका पुत्र यीशु मसीह को नहीं जानता। जब उसने यीशु मसीह को अपनाया, जब उसने जान लिया, उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन हुआ, एकदम उल्टा हो गया, एकदम जो वो करता था उस कार्य से एकदम पीछे पलट गया था। उसके बारे में हम देखेंगे प्रेरितों के किताब 22:2, प्रेरितों के किताब 22:2। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो कलीकिया के तर्सुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमियेल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया। एक अमीर घर में पैदा हुआ और अच्छे अध्यापक के पास बैठकर उसने पढ़ा है, बाप दादा के
व्यवस्था में ठीक रीति से सिखाया गया है, परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाते हो। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर बंदीघर में डाल डाल कर इस पद के यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए मैं महायाजक और सब पुरनियों गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठी लेकर दर्शीस को चला जा रहा था। जब वह दर्शीस की ओर जा रहा था उस समय परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात की। वह वचन हम देखेंगे नवा आयर में 3:4 वाला वचन। नवा आयर में 3:4 वाला वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब परमेश्वर की महिमा उस बीच रास्ते में उसे एकदम घेर लिया था तो घोड़े में जाते हुए इस युवक, ये था पौलुस। पौलुस जब सौल नाम का था तो वह लोगों को मरवा रहा था, उसको बांध बांध कर कारागर में बंद कर रहा था। उस आदमी के पीछे प्रभु का बलाई और करुणा पीछे पीछे जा रही थी और उसको बीच रास्ते में उसे मुलाकात किया। मुलाकात करते ही उसने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। किसको सताया उसने? वो मसीह कहता है तू मुझको सताता है, मेरे नाम को जो भी लेते हैं उन लोगों को सताते समय तू मुझको सताता है। और तुरंत उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तुरंत अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वहां से कहा जाएगा। जब वो उठा तो उसके आंख में ऐसे कुछ कार्य हुआ कि उसे दिखाई नहीं दिया। उस रोशनी के कारण उसके आंख की रोशनी चली गई और वो जाकर एक घर में, जिस घर में उसको बताया गया, उस घर में बैठकर वो प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना के बाद उसे एक ऐसा वर्ताव आया उसके अंदर, वो एक बदलाव आ गया। उस प्रार्थना के बाद वो मसीह को अपनाया और मसीह के लिए वो हर गांव गांव शहर शहर में सब जगह घूमकर उसने बहुत सारे यात्राएं की, बहुत सारे किताबें लिखी। वो उसके लिए कारागर में बंद किया गया, उसे पत्राव किया गया, लेकिन उस मसीह को उसने नहीं छोड़ा, उस मसीह का बात नहीं छोड़ा। वो हर जगह जाके कहता है यही मसीह मुझे बीच रास्ते में मिला, वो मुझसे बातें किया, इसीलिए मैं आप उसके लिए धुन रखता हूं, मैं उसके बारे में बोलता हूं। मैं भी आपके जैसे एक मनुष्य था, एक साधारण मनुष्य था, बड़े घराना खाता, मैं अच्छा पढ़ा हूं। लेकिन जब मसीह ने मुझसे बात की, मुझे सिखाया, मैंने जब उसका वाणी सुना, मेरे अंदर बदलाव आया। हाँ देखिए, एक दुष्ट था, इसको देखते ही, इसका नाम सुनते ही लोग तरतर कांपते थे, लेकिन अब उसके बातें सुनने के लिए लोग इतना इकट्ठित हो जाते हैं। जो लोग इसको चिट्ठी देकर भेजते थे वो लोग उस पर घृणा करने लगे, लेकिन वो कहता है नहीं, यही सही रास्ता है, यही मसीह ने मुझे सिखाया है, मसीह जो सिखाता है मैं वही करता हूं, किसी की बोली, किसी की सुनी हुई बातें नहीं, मैं मसीह को सुनता हूं, मसीह जो मुझे कहता है वही मैं सिखाता हूं, मसीह जैसा चला मैं भी वैसे ही चलूंगा। आप चाहिए तो मुझे मेरा पीछा करके आ जाओ। हाँ, भलाई
और करुणा हमारे साथ जाना है तो हम मसीह का वचन सुनना है, बात सुनना है। अगर हम बात सुने तो हमारे अंदर एक बदलाव आ सकता है। दूसरे जन के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 41:14। उत्पत्ति का किताब 41:14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, हाँ, और वे झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। झटपट बंदीगृह से उसे बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर, हाँ, और वस्त्र बदलकर, हाँ, फिरौन के सामने आया। देखो, इसके बारे में तुम जानते हैं, इसका नाम यूसुफ था। यूसुफ जब वो 15-16 साल का लड़का था, उसे परमेश्वर ने एक ऐसा एक स्वप्न दिया कि तेरा सर ऊंचा रहेगा, तेरे सामने सब लोग झुकेंगे। लेकिन ये सुनकर उसके घर के लोग उसको घृणा करने लगे, अपने ही घर के लोग उससे दुश्मनी रखने लगे, उसे गड्ढे में डाला, उसका कपड़ा छीन लिया, उसे उठाकर बेच डाला और वह पोतीबार के घर में गया। वहां इतना काम किया, फिर भी पोतीबार तो बोलता था इसका प्रभु उसके साथ है, और उसको थोड़ा थोड़ा अधिकारी, सब उसके घर में सब कार्य के लिए अधिकारी बनाया। लेकिन शैतान ने उसे ऐसे एक षड्यंत्र रचा, उसे बंदी घर में बंद कर दिया। वहां भी उस जेलर के आग में उसको कृपा मिली, दया मिली, और वहां जो भी काम दिया गया उसको बारे में पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसे बंदीगर से बाहर निकालने के लिए किसी को भी साहस नहीं रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने उस देश के राजा फिरौन को स्वप्न देकर इस स्वप्न के बारे में बताने के लिए यूसुफ को याद दिलाकर उसे बाहर निकाले गए। बाहर निकालने के बाद देखो, वो 80 साल तक राज्य किया। वो तो अपना देश, अपना घर सब छोड़कर एक नौकर के तरफ, एक ऐसा बंदी बनाकर उसे ले गए थे उसे भेजने के लिए। लेकिन उसी देश में, उस भिन्न देश में, वो भिन्न राजा के बीच में, उन लोगों के बीच में उसका नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक नया युक्ति बनाया, क्योंकि करुणा और दया उसके साथ साथ रहती थी। तो वचन कहता है वो बंदीगर में बंद था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वो पोतीवार के घर में था, परमेश्वर उसके साथ था। जहां भी वह रहता है परमेश्वर को अपने साथ रख लेता था। परमेश्वर को अपने साथ रखने के कारण बलाई और करुणा उसके साथ रहती थी, और जहां भी जाता है, जो भी करता है, जहां भी उसको मदद की जरूरत है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। तो उसने उसके लिए क्या किया? परमेश्वर की वचन को अंदर रख लिया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जो उसको नियम के साथ करना है, वह सब उसने नियम के साथ किया। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसको ऐसा सूचना दिया क्या करना है आने वाले दिन के लिए, कैसे सब कुछ तैयार करना है, सब उस परमेश्वर ने उसको सिखाया। उस देश के बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, उनके बीच में इसका नाम ऊंचा किया, क्योंकि निश्चय बलाई और करुणा जीवन भर उसके साथ साथ रहती थी। अगर हम भी परमेश्वर के बात मानकर चलेंगे तो हमारे जिंदगी में भी बड़ाई होगी। बड़ाई होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वचन सुनना चाहिए। देखो, यशाया का किताब 55:8-9 ऐसा कहता है। यशाया का किताब 55:8-9। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति, हाँ, और मेरी गति एक सी है, एक सी है, क्योंकि मेरी, हाँ, और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम सोचते हैं
तो हमसे यही होगा, मैं यही काम करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही रहने से भी चलेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर का सोच उससे भी अलग है, वह हमारे लिए और कुछ प्लान रखा है। उसे अपनाने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वचन को सुनना है, जो परमेश्वर हमसे कहता है उसके मुताबिक चलना है। जहां भी हो हम उसके लॉ और ऑर्डर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उसके वचन के मुताबिक चलें, उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, तो परमेश्वर हमें सब जगह में भलाई और करुणा हमारे जीवन भर हमारे साथ आने के लिए वह हमारे साथ रहेगा। फिलिपियों के किताब 3:20 ऐसे कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही की बाट जो रहे हैं। हमें किस कार के लिए बाट जोना है? मसीह का आने के लिए। जब हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आने का बाट जोते रहेंगे और हमें उस परलोक देश में ले जाने के लिए हम अपने को तैयार करेंगे, तो उसमें ही हमारे लिए भलाई मिलती है, उसमें ही हमको करुणा मिलती है। अगर हमें करुणा और भलाई चाहिए तो हमारा बाट जोना है किसके लिए? दूसरे दिन के लिए रोटी के लिए नहीं, दूसरे समय पहनने के कपड़े के लिए नहीं। हमें किसके लिए बाट जोना है? हमारा परमेश्वर कभी भी आ सकता है, कोई भी पल वो आ सकता है। उसके लिए हम तैयार रहना चाहिए। अगर हम उसके लिए तैयार रहें तो हमारा प्रभु हमारे लिए करुणा और भलाई हमारे साथ साथ भेजेगा। देखिए, हम तो दाऊद के बारे में जानते हैं, पहला सामवेल 16 वाला आयर का पहला वाला वचन पढ़ेंगे। और यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। पहले परमेश्वर ने साऊल को राजा बनाने के लिए उसे ढूंढ कर निकाला था, क्योंकि वह अपने को दीन करता था, वह कभी घमंड नहीं करता था, वह परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए अपने को अपना मन ऐसा बना के रखा था कि परमेश्वर उस पर एकदम संतुष्ट हो गए थे। लेकिन जब उसने आज्ञाकारी नहीं तो उसने आज्ञा पालन करना से हट गया, जब मसीह का कहना था कि सब कुछ तुम्हें नष्ट कर देना है, इसने अपने विचार के अनुसार चलने के लिए अपना मार्ग बनाया, तो परमेश्वर ने उसे तुच्छ जानकर उसके बदले में और एक मनुष्य को ढूंढा। वो कौन था? 13 वाला वचन पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हाँ, यहाँ हम देखते हैं दाऊद को जंगल से बुला भेजकर उसको सिंह के तेल का सिंह से भरा हुआ तेल को उसके सर पर अभिषेक कर उसे राजा बनाया। ये तो बस इसके घराने जानते हैं, इस घर के लोग जानते हैं कि इस लड़के को परमेश्वर ने राजा के स्थान पर चुना है, और किसी को नहीं मालूम। चुपचाप आया शमूएल उसके घर में, ऐसा एक दावत करने को कहा, और चुपचाप आकर सब लड़कों को देखा, किसी को भी परमेश्वर ने इनकार कर दिया। फिर जो जंगल में था उसे बुलाकर उसके तेल उसे सर पर तेल डालकर उसे अभिषेक किया, राजा का अभिषेक। ये कैसे आया? ये भलाई और करुणा कैसे आया? घर के लोग तो भूल गए थे ऐसा एक लड़का है करके, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुनकर निकाला, क्योंकि
वो परमेश्वर के दिल का प्रिय बन गया था। कैसे बना? उसने प्रार्थना की, आराधना की, बहुत सारे गीतें गाए प्रभु के नाम में। जब परमेश्वर को हम प्रिय बन जाते हैं तो जहां भी हो, जहां भी अंधकार में भी हो, उसे हमें ढूंढ कर बाहर निकालता है और हमें राजाओं के संग बिठाता है। हालेलुया। देखो, इसे राजा बना दिया और यही दाऊद 40 साल राज्य किया। उसका बेटा सौल को चुन लिया, उस सौल भी 40 साल राज्य किया। कितना बड़ा कार्य प्रभु ने किया है। जब हम उसके प्रिय बन जाते हैं तो हमारे परमेश्वर हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। चलिए व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन 28:1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यहाँ कहा गया है कि जो तुम सुनते हो उसका चौकसी से पूरी करो और चित लगाकर उसे सुनना ही नहीं, उसे अपनाना भी होगा, उसके मुताबिक चलना भी होगा। अगर जब आप वैसे करोगे तो पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, उसको ध्यान लगाना चाहिए। देखिए, हम प्रकाशित वाक्य का 2:11 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:11। जिसके कान हो वह सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। देखो, यहाँ कहा गया है, यहाँ 7 कलीसियाओं के बारे में कहा गया है और एक एक कलीसिया को ऐसे कहा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले। और एक वचन भी बता दूंगी, 17 वाला वचन पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्माएं कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया। जिसको कान है उसे सुनना, तभी उसे जय पाएंगे। और उसके लिए जो भी परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ पत्थर उसको मिलेगा। जिसको कान है वह सुने, उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। और भी मैं वचन बताऊंगी, 29 का देखेंगे, उसी आयर में 29। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। आगे वाला वचन पढ़ेंगे 28। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा कब दूंगा? आप आगे पढ़ लीजिए तो आप देखेंगे, जिसके कान है उसको मैं ये दूंगा। तीसरे आयर का 6 वाला वचन पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। क्या कहता है? जब आगे वाले 5 वाले से पढ़ेंगे, जो जय पाए और इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा। श्वेत वस्त्र पहनाया गया जाता है। हालेलुया। उसे श्वेत पत्थर दिया जाता है, उसमें नाम लिखा होता है, उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होती है। जो इस वचन को सुनता है उसे थारा बनाया जाता है, जो इस वचन को सुनकर उसके मुताबिक चलता है उसे सफेद वस्त्र दिया जाता है। 3:13 पढ़ेंगे। 3:13। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से ये कहता है। क्या कहता है? हम आगे वाले वचन पढ़ेंगे 12 से। जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वे फिर कभी ना बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है अपना नया नाम
उस पर लिखूंगा। हालेलुया। देखो जब कान लगाकर हम सुनते हैं, कलीसिया वाले हम जो कान लगाकर सुनते हैं उसे जय मिलता है। परमेश्वर के मंदिर में कंबा बनाया जाता है और नए यरूशलेम में उसे प्रभु अपने साथ रखेगा। जो कान है माने सबके तो कान बाहर दिखते हैं, जानवरों के भी कान बाहर दिखते हैं, हाँ, लेकिन सब कानों में सुनाई नहीं पड़ता, सब कान सुनते नहीं हैं। अगर आप मसीह के वचनों को सुनेंगे, वचनों को मुताबिक चलेंगे, तो परमेश्वर ने कहा है आपको दूसरे मृत्यु से हानि नहीं होगी, आपको सफेद वस्त्र दिया जाएगा, आपको अच्छा पत्र दिया जाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको स्वर्ग में जाने के लिए, नया यरूशलेम में जाने के लिए आपको रास्ता बनाया दिया जाएगा। और भी प्रभु ने बहुत सारे कार्य कहे हैं। अगर आप इस पत्र को, इस वाक्य को, अगर आप इस समाचार को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी इसे अपनाते हैं, चलिए प्रकाशित वाक्य का 1:3, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है क्योंकि समय निकट आया है। ये जो भी उसे पढ़ता है, सुनता है और इसे मानता है वह भाग्यवान हो जाता है, वो आशीर्वाद बन जाता है, अपने लिए भी आशीर्वाद, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाता है। देखिए मूसा के बारे में हम देखेंगे, मूसा जब वो अपने ससुर के बेड़ को लेकर चरवा रहा था तो मसीह अपने कटीले झाड़ी के बीच में से उसके साथ बात किया, उसे चुन लिया था। 40 साल वो जंगल में घूम रहा था, अभी उसको सब किस्म के गोलियां सब भूल गया था। 80 साल का बूढ़ा एक व्यक्ति से परमेश्वर बातें करता है और कहता है, हाँ मैं तुझे नेता बनाऊंगा, तू इसराइल लोगों को छुड़ाकर ले आएगा, कनान देश ले जाएगा। एक बूढ़ा आदमी, 80 साल का बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है, वो कितना भी ठुकरा रहा था, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे मुंह के संग हूं, मैं तेरे मुंह में बोली डालूंगा, तू ही जाएगा। और उसे 40 साल तक लोगों को चलाने के लिए सामर्थ्य दिया, क्योंकि परमेश्वर का बलाई और करना उसके पीछे थी। क्यों थी? क्योंकि वो एक आज्ञाकारी मनुष्य था। वो परमेश्वर से एक एक दिन के लिए वो जाकर प्रार्थना करता था, सुबह भोर में उठकर परमेश्वर के साथ बातें करता था, पूछता था क्या करना है, कैसे करना है, इन लोगों को क्या उत्तर देना है, उन लोगों के लिए मैं कैसे ये सब कार्य सिखाऊं, बताऊं, सब उसने परमेश्वर से सीख लिया था और किसी ने उसे सिखाया नहीं। अगर हम भी परमेश्वर के वाणी के मुताबिक चले तो बलाई और करना हमारे जीवन में हमारे संग संग आएगा। यहोशु के बारे में हम देखेंगे तो यहोशु 1:1, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशु में जो नून का पुत्र था कहा। बस यहाँ कहा गया है कि यहोशु मूसा का सेवक था, एक कर्मचारी था, जो मूसा कहता था उसे करने वाला, एक नौकर के स्थान पर रहने वाला था। लेकिन जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने इस नौकर को नेता बनाया। क्यों नेता बनाया? क्योंकि वह विलाप वाले तंबू से कभी हटता नहीं था। जब भी मूसा परमेश्वर से बातें करने जाते थे तो ये विलाप वाले तंबू में रहकर
परमेश्वर की इच्छा अनुसार करने के लिए अपने को दीन करके एकदम सावधान रहने वाला एक आदमी था। इसीलिए वहां बहुत बड़े लोग थे, 12 गोत्र में बहुत बड़े लोग थे, वहां नेता भी थे, लेकिन परमेश्वर ने इस नौकर को चुन लिया, उस पर बलाई और करुणा दिखाया और उसे नेता बनाया। और आगे जाते समय उसमें कहा गया कि परमेश्वर कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे संग रहूंगा, जहां भी तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तू जो भी युद्ध करेगा मैं तेरे संग रहकर तेरे को जीत दूंगा। और लोगों ने भी उसे अपनाया, उन्होंने भी कहा जैसे हम मूसा के बात मानते थे हम आपके बात भी मानेंगे। आखिर उसके मरने के समय पर जब आप देखोगे तो उसमें कहा गया है कि वह परमेश्वर का एक सेवक बन गया, नौकर से वह सेवक बन गया, नौकर से उसे परमेश्वर ने नेता बनाकर उसके हाथ में जीत देकर उसको बांटने की सामर्थ्य देकर इतने लाखों लोगों को चलाने के लिए सामर्थ्य देकर उसके आगे जो भी पर्वत जैसा खड़ा हुआ था, जो भी कठिनाई आई, सब रुकावटों को तोड़कर, सब रुकावटों को चीरकर परमेश्वर उसके आगे आगे जा रहा था और मरते समय वह परमेश्वर का सेवक बन गया था। अगर आपके जिंदगी में भी भलाई और करना चाहते हो तो आपको भी वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन को अपनाना है। जैसे हमने देखा कि व्यवस्था विवरण 28:1 में जो जो वचन आप सुनते हैं उसे वैसे ही अपनाइए, उसमें धुन लगाइए, परमेश्वर के लिए आप एक जुनून रखिए, आपको सब किस्म के आशीर्वाद मिलेंगे, भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। चलो हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरी भलाई और करुणा हमारे संग संग जाने के लिए क्या करना है आपने हमको सिखाया है। हे प्रभु, हर दिन तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन के मुताबिक चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें अपने अंदर हमें आशीर्वाद बनाइए, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनाइए, ताकि हर दिन हर समय आपको हमारे संग रखकर हम आगे बढ़ें, जहां भी हो, जहां भी जाएं, जैसे यूसुफ के साथ तुम थे, जैसे यहोशू के साथ आप तुम थे, वैसे हमारे साथ भी आप आकर हमारे कार्य को सफल कीजिए, आशीर्वाद बना दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।